इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। स्पोर्टिंग स्टाफ भी शामिल है, वो कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। तो इस वक्त तीसरी जो आला हुकाम है, जो पीएसएल की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और फ्रेंचाइज जो मालकान है, वो कराची के मुकामी होटल में कुछ मौजूद और कुछ जो है वो वर्चुअल उनके साथ इजलास उस पर चेक करते हैं। कुछ ऑप्शन है जिन पर इस वक्त गौर किया जा रहा है, जिसमें गैर मुल्क जो खिलाड़ी है उन्होंने तहफात का इजहार कर दिया, जिनमें कराची के खिलाड़ियों ने लीग बाकायदा तौर पर छोड़ भी दी और अब से कुछ देर बाद वो बाकायदा तौर पर वापस रवाना हो जाएंगे। जो यहाँ पर इस वक्त तजावीज सामने हैं, उनमें सबसे पहली तजवीज ये है कि कराची में जो मैचेज हैं वो लाहौर के मैचेज है वो कराची मुंतकिल कर दीजिए। इसके साथ साथ जो गैर मुल्क खिलाड़ी है, तमाम खिलाड़ियों के मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो अब सामने आ रहे हैं कि आगे इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। एहसान, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। क्रिकेटर सलमान बट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। सलमान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन जिम्मेदार है? छह खिलाड़ी जो हैं वो अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं और अब डिफरेंट ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है कि आगे करना क्या है पीएसएल के साथ। देखिए, अनफॉर्चुनेट है, अनएक्सपेक्टेड था और जो है इसका नंबर इंक्रीज होना यकीनन तशवीश की बात है। इसमें कोई मतलब ब्रीच तो हुई है, पॉसिबली आई डोंट नो, अब वो होटल के हमले की तरफ से हुई है, वो किसी फ्रेंचाइज की गलती है, प्लेयर्स ने उसको ब्रीच किया है, वो तो अभी वक्त लगेगा पता लगने में। लेकिन डेफिनेटली इट इज नॉट समथिंग जिसको बहुत ज्यादा पैनिक जिसकी वजह से क्रिएट किया जाए, बिकॉज फॉर्मूला वन में ऐसा हुआ है, एनएफएल की लीग में हुआ है, आईपीएल में 14 प्लेयर्स पॉजिटिव आए थे, उसके अलावा जो अभी श्रीलंका प्रीमियर लीग है उसमें प्लेयर्स पॉजिटिव आए थे। हर इवेंट अपनी पूरी म्याद उसने पूरी की है, उसके मैचेस पूरे हुए हैं और हर जगह पॉजिटिव केसेस आए। पूरी दुनिया में ये एक पैंडेमिक है और ये रियलिटी है, इसके साथ को एग्जिस्ट करना है। ये जब पाकिस्तान की बारी आती है, कुछ तो बाहर के मुल्क जो है वो हमेशा से पाकिस्तान को जो है उसको एक टारगेट किया जाता है, और उसके अलावा दूसरी बात यह कि कुछ हमारे अपने भी लोग हैं जो ट्विटर पे बैठ के और इंतजार में होते हैं कि कोई ऐसा मौका मिले। आई थिंक या तो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा तो फिर तो ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया में हो तो रहा है। एक चीज बताइएगा, वो ये कि बहाब रियाज पहले मैच से पहले उन्होंने ख्याल नहीं किया बायोसिक्योर बबल का, फैसला किया गया कि कुछ दिन इनको आइसोलेट करते हैं, फिर फ्रेंचाइज ने प्रेशराइज किया और फिर खेलने की इजाजत मिल गई उन्हें, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी ब्रीच हो सकता है जिसकी वजह से था। तो इस तरह खिलाड़ियों को तो ख्याल करना चाहिए, अगर वो ब्रीच होता तो वहाब रियाज को कोरोना होता या उसके किसी साथ वाले को होता या उनकी टीम में से होता, लेकिन जो प्लेयर्स टीम सामने आए वो तो कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे, उसमें पेशावर जल्दी का तो कोई प्लेयर ही नहीं था जिनकी आप बात कर रहे हैं। सो आई मीन, अगर ब्रीच जिसने किया है तो फिर उस टीम में होना चाहिए जहां पे वो बंदा मौजूद है, जहां पे वो बंदा मौजूद ही नहीं है अगर वहां से हो रहा है तो डेफिनेटली ब्रीच कहीं और। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सलमान, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन खबरें आ रही हैं कि पीएसएल मुलतवी कर दिया गया। अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर ये तो बड़ा अफसोसनाक होगा कि ये एक इवेंट आया था बहुत अरसे के बाद, ये पूरा साल जो हमने इतना मुश्किल से गुजारा, एक एंटरटेनमेंट थी आवाम के लिए, अब वो मुलतवी हो जाए। देखिए, मेरा ख्याल है मेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और जो है पैनिक नहीं होना चाहिए। आई थिंक इवेंट शुड गो थ्रू, अगर कोई जाना चाहता है वापस तो वो चला जाए। और जाना भी शुरू हो गए हैं, कराची किंग्स के डैनियल क्रिस्टियन जो है वो वापस चले गए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, उन्होंने आज दोपहर में वापस फ्लाई करना है, दैट इज फाइन। कुछ लोग होते हैं जिनकी फैमिली स्पेशली वेस्टर्न साइड से, वो फिर उनको पुश करती हैं, दे मेक डिसीजन। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें आपके सब कॉन्टिनेंट में शायद कोई भी प्लेयर ऐसा फैसला नहीं करेगा, और उन सबको पता है कि दुनिया में ये चीजें चल रही हैं। कुछ लोग होते हैं जरा ज्यादा वो केयरफुल होते हैं, या उनकी अंडरलाइन कोई कंडीशन होती है जो उन्होंने दूसरों से डिस्क्लोज नहीं की होती, तो उनकी प्रिकॉशन लेना उनका हक है। लेकिन आई थिंक इसको जरा ज्यादा सिक्योर करके ज्यादा तवज्जो के साथ, ठीक है। और सलमान, कंफर्मेशन भी आ गई है, आप साथ ही रहिएगा, ये बता भी देते हैं अपने नाज़रीन को कि कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग को मुलतवी कर दिया गया है। वही हुआ जिसका डर था, कोरोना केसेस की तादाद बढ़ी, छह खिलाड़ी जो हैं वो अभी तक सामने आ चुके हैं जिनके कोरोना के टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आए और अब सुपर लीग को मुलतवी कर दिया गया। एहसान खान, बताइए इस बारे तफसील, डेट को आई, कब तक मुलतवी किया गया इसे? देखिए, अभी तो जो है इब्तदाई मालूमात सामने, इसमें पीसीबी और जो इसके खिलाफ फ्रेंचाइज ओनर्स के दरमियान एक वर्चुअल जो इजलास था वो जारी था। इस इजलास के बाद जो है ये फैसला किया गया कि फौरी तौर पर जो है मैचेस को मुलतवी किया जाए, क्योंकि खिलाड़ियों की सेहत को जो है वो
खतरा जो है लाक है। अभी इस वक्त इब्तदाई इतला आ रही कि लीग को जो है मुलतवी कर दिया गया है। मजीद जो तफसीलात जब जब देंगे हम आपको जो है वो आगाह करते रहेंगे। इस वक्त ये मालूम बिल्कुल वाजी हो चुकी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और जो फ्रेंचाइज मालकान है इन्होंने बाजाबा तौर पर यह फैसला कर दिया है कि जो PSL सीजन 6 है फौरी तौर पर इसको जो है मुलतवी अभी रोक दिया जाए, फिर कुछ अरसे बाद इसको दोबारा फिर रिज्यूम किया जाएगा। सलमान ये बताइएगा कि ओवरऑल क्या होता है, आपने बताया कि मुख्तलिफ लीग्स में पहले हो चुका कि ठीक है दुनिया में पेंडेमिक है ये और वायरस है और अब पता नहीं चलता कब फैल जाता है, तो अभी पाकिस्तान पर कोई बाहर से दबाव तो नहीं होगा, टेक्निकली क्या मामला होता है इसमें, सिर्फ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना फैसला है कि और फ्रेंचाइज मालिकान का फैसला है कि रोका जाए या फिर चलने दिया जाए। देखिए जी बाजायरन तो ये पाकिस्तान का अपना ही फैसला है और होना भी ऐसे ही चाहिए, पर आई डोंट नो अगर इस पे किसी और का अमल दखल है, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द मीटिंग, बट डेफिनेटली IPL में पहले ही राउंड में 14 केसेस सामने आए थे। पाकिस्तान में आज के 3 केसेस मिला के 7 केसेस बनते हैं, सो यू कैन वेल इमेजिन के वहां पर दुनिया का रिस्पॉन्स कैसा है, और हालांकि वो दुबई में हो रही थी जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। तो दोस्तों खबर ये थी कि पाकिस्तान सुपर लीग कैंसिल हो चुकी है या पोस्टपोन हो चुकी है, मतलब पोस्टपोन ही कहेंगे इसको कि जिसे लास्ट टाइम हुआ था पाकिस्तान सुपर लीग कोरोना से पहले पोस्टपोन हुई थी, अब कोरोना आने के बाद जो वायो बबल सब कुछ पता भी था पाकिस्तान सुपर लीग जो करा रहे हैं ऑर्गेनाइज़र मैनेजमेंट टीम ओनर सबको सब कुछ पता था कि ये अभी भी ऐसे नॉर्मल होके नहीं कर सकते आप, लेकिन पाकिस्तान के जो ऑनर्स थे टीम ऑनर्स थे जो मैनेजमेंट थी वो धड़ल्ले से मतलब वो नॉर्मल समझ गए इसे और फोटो शूट ये वो बिल्कुल बकायदा ऑनर्स आके प्लेयर से मिल रहा है ये हो रहा है सब कुछ हो रहा है और उसके बाद हो गया जो जिसका डर था, मतलब आप समझ सकते हो कोरोना केसेस आ गए निकल आए, कुछ ऑस्ट्रेलियन कुछ अभी ज़्यादा प्लेयर्स के नाम पता नहीं है, फवाद अहमद बस का नाम पता है जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हैं उनका नाम बस पता चला है कि वो कोविड पॉजिटिव थे, उसके अलावा अभी 6 प्लेयर भी हैं लेकिन अब उनके नाम वाम वगैरह कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग पोस्टपोन होने के बाद पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया में बेमतलब का इंडिया को आरोप लगा रहे हैं, इंडियंस को बोल रहे हैं कि इसमें रॉ की साजिश है, इसमें इंडिया की साजिश है ये करवाने के पीछे, मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों इनकी मेंटल सिचुएशन क्या है। हालांकि ऐसा क्रिकेट फैन मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग ऐसे कैंसिल हो, होना चाहिए अच्छी बात है, वहां के लड़के नए निकलेंगे, वैसे भी आपको पता है क्रिकेट में केवल 10 टीम बची है, 10 में से भी आपको पता है साउथ अफ्रीका की भी हालत क्या है, श्रीलंका की हालत क्या है और बांग्लादेश अभी भी वही मतलब एक उसी टाइप की टीम है, कभी जीतती है कभी हारती है और वेस्ट इंडीज की हालत आपको पता ही है, तो ऊपर से खाली इंग्लैंड इंडिया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये टीमें हैं और उसके बाद पाकिस्तान को आप कह सकते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट होगी तो पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी होगी, तो इसके लिए मतलब क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए अच्छा साइन है कि क्रिकेट अच्छी होगी। तो दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग कैंसिल हो गई है या पोस्टपोन हो गई, पोस्टपोन कहूँगा वैसे, कैंसिल कहना सही नहीं रहेगा, तो अब ये शायद हो कुछ दिनों बाद, पता नहीं कब होगी, क्योंकि आपको भी पता है पाकिस्तान सुपर लीग अभी हो रही है और दुनिया में क्रिकेट के सारी टीमें भी क्रिकेट खेल रही हैं, सारी टीमें बोलूँगा मैं सारी, आप देख सकते हो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ चल रही है, श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ चल रही है, अफगानिस्तान जिम्बाब्वे की सीरीज़ चल रही है और इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही है, अब टीम बसती है साउथ अफ्रीका और एक टीम बसती है, कौन सी बसती है, एक टीम बसती है शायद बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भी न्यूजीलैंड के साथ बहुत जल्द खेलने वाली है। तो दोस्तों इसके बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग में जो बचे खुचे प्लेयर हैं जो रिटायर्ड प्लेयर हैं काउंटी के प्लेयर हैं वो सब आके मतलब खेल रहे हैं, तो पी ये ऑर्गेनाइज़र ऑर्गेनाइज्ड नहीं कर पाए, तो अब उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्द लीग फिर से चालू होगी और क्रिकेट के जो पाकिस्तान में यंगस्टर हैं, खाली मैं उन यंगस्टर के बारे में दुखी हूँ जो यंगस्टर आ रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, मतलब नए यंगस्टर आ रहे हैं वो शायद अच्छे प्लेयर आएँ, तो दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं मतलब उसमें जो स्टैंडर्ड है वो और भी बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो ख़त्म, आपको क्या लगता है वीडियो देखकर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने थाट्स शेयर करें, धन्यवाद दोस्तों।